दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यह पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर रो रही है कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक महिला मंत्री थी, उसको उसके पद से हटा दिया गया, और क्योंकि वह महिला मुसलमान महिला थी, उस पर यह पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि मुसलमान होना जुल्म हो गया है। हैरत की बात यह है कि जिस ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उस मुसलमान महिला को एक मिनिस्टर बनाया, तब तो यही पाकिस्तानी मीडिया खुशी से चिल्ला रही थी कि इस्लाम जीत गया, ब्रिटेन के अंदर एक और मुसलमान का कब्जा हो गया। लेकिन अब उसी मुसलमान महिला को जब उसके पद से हटा दिया गया है किसी और वजह से, तो यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया भी रो रही है कि क्योंकि वह मुसलमान महिला थी, उसको उसके पद से हटा दिया गया। और साथ ही साथ देखने वाली बात यह है कि जिस महिला को भी ब्रिटेन ने अपॉर्चुनिटी दी, उसको मंत्री बनाया, उस महिला ने भी अब इंटरव्यू जाके दिया है और बोला है कि उसको क्योंकि मुसलमान थी इसलिए उसको हटाया गया है। तो ये देखिए इनकी आइडियोलॉजी कि जहां भी जाते हैं ये धर्म को बीच में ले आते हैं। ये नहीं सोचा कि अगर ब्रिटेन के अंदर उसके धर्म से इतनी प्रॉब्लम होती तो पहली बात तो उसको मंत्री पद पे बनने दिया ही नहीं जाता। उस औरत को नुसरत गनी जिसका नाम है, क्योंकि अब उसके पद से हटा दिया गया है, तो वह धर्म का कार्ड खेल रही है। और यही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तानी सोच वाले होते हैं या उनकी जो माइंडसेट या उनकी आइडियोलॉजी वाले हैं, ये हर जगह यही काम करते हैं। चाहे इस महिला को ब्रिटेन के अंदर उसके काम करने का तरीके के या फिर उसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी ना दिखाई हो, जिसकी वजह से उसको उसके मंत्री पद से हटाया गया, लेकिन अब यह महिला कह रही है कि इसको इसलिए हटाया गया क्योंकि इसका धर्म मुसलमान था। तो इसे देख के लगता है कि ये पाकी सोच वाले जितना भी प्रोग्रेस हो जाए, जितना भी पढ़ लिख लें, इनका माइंड वहीं का वहीं अटका रहता है 1400 साल पुराने जमाने में। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।